हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्राम बायोलॉजी एग्जाम्स और न्यू नेम। पहले यहाँ पर डीबी टीचिंग पोर्टल था, बायोलॉजी एग्जाम्स है एमसीक्यू बायोलॉजी एग्जाम यूट्यूब चैनल न्यूनियो इन लेमिनाइडेस फ्रेश वाटर में उसे क्लाथ वाल्विलिया और पहली सिपोडा और फाइलम मोलस्का इनक्लूड फॉर्म द विच आर इनक्लोज विद इन द बाईवाल्व सेल एंड प्रोसेस एच लाइक फूट मोस्ट सिमिलर मेंबर इस क्लास आर द म्यूसेल क्लेम्स ओस्टर एंड स्कैलोप्स यूनियो एंड लेमिनाइडेस आर द कॉमन फ्रेश वाटर म्यूसेल्स फाउंड इन द इंडियन लेक एंड रिवर्स। द फॉलोइंग अकाउंट रिलेटेड यूनियो लेमिनाइडेस एंड अडोटेड क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक पोजीशन फाइलम मोलस्का क्लास फाइलिसिपोडा या बाइवेलिया ऑर्डर यहाँ पर है क्लास मोलस्का फाइलम क्लास फाइलिसिपोडा बाइवेलिया और यहाँ पर ऑर्डर है एमे यूलोमो ब्रांची फैमिली यूनिटी और जीनस यूनियो या फिर लेमिनाइडस या फिर अडोडेंटा। फ्रेश वाटर म्यूसेल आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर लेक्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इनवेटिंग द सरफेस लेयर ऑफ द मडी बेड्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स इन ए बरीड पोजिशन पोस्टीरियर डिप ऑफ इट्स रिमेन एक्सपोज इन द वाटर फैसिलिटेट एंट्री द साइट ऑफ वाटर करेंट विच इज हेल्प बोथ इन ब्रीथिंग एंड फीडिंग इट ग्रोइंग स्लोली विद द हेल्प ऑफ इट्स प्लग लाइक बेड बेड शेप्ड मस्कुलर फूट लीव्स डिप ट्रेल एंड जनरी इट असली मूव सेलो प्लेसेज बाई नाइट एंड रिट्राइड टू द डिपर प्लेसेज बाई डे और फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोथ एनिमल एंड प्लांट्स विच आर फेड अपॉन द फिल्टर फीडर। तो क्वेश्चन ये हो सकता है विच टाइप ऑफ फूड ईटिंग मैकेनिज्म यूनियो, तो फिल्टर फीडिंग और यहाँ पर इसका फूड पहुँच सकता है फूड ऑफ यूनियो, तो यूनियो का फूड है यहाँ पर एनिमल एंड प्लांट दोनों प्लांट एंड एनिमल बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल। एनिमल रिस्पॉन्ड टू द लाइट टच आर द सम अदर स्टिमुलेट बाय द ब्रीदिंग फूड एंड क्लोजिंग द साइफन मीट फॉर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाटर करेंट्स। तो यहाँ पर जो यूनियो यानी लेमिनाइडस है फिल्टर फीडर एनिमल है, वाटर करंट आती है उसी के द्वारा भोजन प्राप्त करता है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पकड़ता है। क्लोजिंग साइफन मीट फॉर द इनकमिंग आउटगोइंग वाटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाटर करंट आती है और यहाँ पर साइफन के द्वारा भोजन पकड़ा जाता है। क्लोज होने के बाद मॉर्फोलॉजिकल सेल है, इसमें सेल पाई जाती है। सॉफ्ट बॉडी एनिमल कम्प्लीटली क्लोज विद इन द कैलक्रिया ऑफ सेल विच रिप्रेजेंट द एग्जोस्केलेटन सेल मेजर्ड अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लेंथ इन 5 विड्थ इट कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर मोर आर लेस ओवल कॉन्वेक्स वाल्व दैट जॉइंट एट द डोर्सल मार्जिन ऑफ द हिंज लाइंड बाय अ स्ट्रॉन्ग हिंज लिगामेंट सेल वाल्व आर द सिमिलर इन द शेप एंड साइज दे आर द इक्विवेलेंट दिस लिगामेंट इज द इलास्टिक एंड कॉजेज द सेल टू कैप वेंट्रली एंड डोर्सली सम बीट इंटरनली ईच सेल वाल्व हैज स्लाइटली राइट पार्ट कॉल्ड द हम्बिडो इट रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेल एंड कॉन्सेंट्रिक लाइन्स अराउंड इट आर द लाइन्स ऑफ द सेल ग्रोथ representing interval between the successive growth it is anterior end of the cell it is somewhat rounded and through anterior ventral margin may be। तो यहाँ पर ये lines of growth है, ये वाली इस तरह से ये lines हैं, ये lines of growth की है ये, और यहाँ पर ये ligament है, ये यहाँ पर इम्बीडो है, ये टॉप या कैप टेक्चर या पीक आप यूनियो बोल सकते हैं या टॉप आप टेक्चर इम्बीडो अम्बीडो।
और यहाँ पर ये फूट है। और मोलस्क का एक विशेष कैरेक्टर है मेंटल, यहाँ पर सेल बाल्व है, लेफ्ट बाल्व। प्रोटोंडल मसल्स फूट फॉर द प्लोइंग इन द, जो प्रोटोंडेड मस्कुलर फूट होता है वो यहाँ पर प्लाउइंग के लिए होता है। इन टू द मड आर द सेंड पोस्टी एंड टेपरिंग प्रोजेक्टिंग बिहाइंड इट कैन बी सीन टू टू शॉर्ट ट्यूबल्स साइफन वन फॉर द एंट्री एंड अदर इज एक्साइट। तो यहाँ पर एक दो साइफन होती है, एक एंट्री करने के लिए, एक एक्साइट करने के लिए वाटर करंट। इंटरनली द सेल वॉल आर द अटैच टू द मेंटल ऑफ द बॉडी विद द फ्री एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर सेट ऑफ द मसल्स कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर प्रोटेक्टर रिएक्टेटर एंड अडेक्टर मसल्स एंड पोस्टीरियर जो है बनी होती है रिएक्टेटर एंड अडेक्टर मसल्स। तो एंटीरियर जो साइड होती है उसमें प्रोटेक्टर रिएक्टेटर और अडेक्टर मसल होती है, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर होती है उसमें रिएक्टेटर और अडेक्टर यानी उसमें प्रोटेक्टर मसल नहीं होती है। ऑन द इनर सरफेस ऑफ ईच वाल्व सीन कैरेक्टरिस्टिक्स मार्किंग आर द स्कार्स ऑफ द अटैचमेंट ऑफ दीज मसल्स नियर ईच एंटरली एंड पोस्टरली आर टू लार्ज ओवल स्कार ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स। नियर द एंटीरियर वन आर द टू एडिशनल स्मॉल स्कार्स द डार्सो पोस्टीरियर स्कार बींग ऑफ द एंटीरियर रिएक्टेटर मसल्स एंड पोस्टीरियर वेंट्रल स्कार ऑफ द एंटीरियर प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर जो यूनियन में क्या होता है डार्सो पोस्टीरियर स्कार होता है वो डार्सो पोस्टीरियर होता है तो वो बना होता है एंटीरियर रिएक्टेटर का, एंड पोस्टीरियर वेंट्रल होता है। डार्सो पोस्टीरियर जो है एंटीरियर रिएक्टेटर का होता है और पोस्टीरियर टू एडिशनल स्मॉल स्कार्स एंड आल्सो पोस्टीरियर एंटीरियर वन द टू एडिशनल स्मॉल स्कार्स। तो एडिशनल स्कार्स होते हैं जिसमें डार्सो पोस्टीरियर होता है, डार्सो पोस्टीरियर स्कार एंटीरियर रिएक्टेटर मसल्स एंड पोस्टीरियर वेंट्रल स्कार ऑफ द एंटीरियर इंट पोस्टीरियर होती है वो यहाँ पर एंटीरियर रिएक्टेटर मसल्स होती है, और जो वेंट्रल पोस्टीरियर वेंट्रल होती है वो यहाँ पर एंटीरियर प्रोटेक्टर होती है। एंटीरियर रिएक्टेटर होती है वो डार्सो होती है, डार्सल और डार्सल पोस्टीरियर, और जो यहाँ पर वेंट्रल पोस्टीरियर होती है वेंट्रल पोस्टीरियर होती है वो होती है यहाँ पर एंटीरियर प्रोटेक्टर। तो एंटीरियर प्रोटेक्टर यहाँ पर डार्सो वो वेंट्रल पोस्टीरियर होती है, डार्सो पोस्टीरियर होती है एंटीरियर और रिएक्टेटर मसल्स। तो इसमें अंतर क्या है, डार्सो वेंट्रल में जो है पोस्टीरियर वेंट्रल में पोस्टीरियर प्रोटेक्टर होती है, और एंटीरियर डार्सो पोस्टीरियर में क्या होता है एंटीरियर रिएक्टेटर होती है, और वेंट्रल पोस्टीरियर में क्या होता है रिएक्टेटर प्रोटेक्टर होती है। स्मॉल स्कार ऑफ द पोस्टीरियर रिएक्टेटर मसल ऑल्सो लाइज डोर्सल स्कार ऑफ द पोस्टीरियर मसल्स लाइज डोर्सल टू द स्कार ऑफ द पोस्टीरियर अडक्टर मसल रनिंग साइड द पैरेलल फ्री वेंट्रल मार्जिन ऑफ द वाल्व फ्रॉम वन एडेक्टर स्कार टू द अदर फाइन लाइन द पैलियल लाइन दिस इज लाइन मार्क द एरिया ऑफ वाल्व अलोंग विच द मसल इन द फ्री वाटर ऑफ द मेंटल लोब वेयर अटैच्ड एट द डोर्सल मार्जिन ऑफ द इनर सरफेस अकर टू ब्लेड लाइक प्रोसेस लाइक हिंज टीथ। तो पूछ सकता है जो हिंज लाइक ब्लेड टीथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हिंज टीथ। तो ब्लेड लाइक हिंज टीथ कितने पा जाते हैं, यूनियो में क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्लेड लाइक प्रोसेस हिंज टीथ
या फिर हिंज ब्लेड लाइक प्रोसेस इज कॉल्ड हिंज टीथ, या फिर हिंज टीथ इज ए ब्लेड लाइक टेक्चर ऑफ यूनियो। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। वन नियर द एम्बिडो एंड अदर अलोंग द हिंज, वन नियर द एम्बिडो एंड अदर अलोंग द हिंज लाइन विच होल्ड द बॉल फ्रॉम द स्वीपिंग आउट द पोजिशन। दिस बीकम द पॉसिबल बाय द क्लोकिंग टूगेदर टू बॉल बाय द हिंज टीथ एंड पोजिशन इज क्लोथ। तो बीच होल्ड द बॉल जो हिंज टीथ है, अब दिस बीकम द पॉसिबल बाई लॉकिंग टूगेदर टू बॉल, तो जो हिंज टीथ है वो टू बॉल के द्वारा जुड़े होते हैं एंड अपोजिट शॉक्ट और अपोजिशन शॉक्ट होते हैं। हिटोलॉजी ऑफ सेल, तो सेल जो है बनी होती है थ्री लेयर की, आउटर होती है पैरी और ट्रेकम, मोटर पैरी ट्रेकम और जो है आउटर पैरी ट्रेकम होती है। और यहाँ पर जो मिडल होती है, मिडिल आउटर पैरी ट्रेकम होती है, जिसमें यहाँ पर जो खोल होता है उसका कॉल किलिन कहते हैं। और यहाँ पर आउटर क्या होती है, आउटर प्रो पैरी ट्रेकम, और उसके बाद आउटर पैरी ट्रेकम, आउटर पैरी ट्रेकम होती है, और इनर आउटर पैरी ट्रेकम तो जो इसका खोल होता है वो कोल क्लीन का होता है। इट इज पार्ट ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश कलर का होता है सेल। इट इज सब्जेक्टेड टू इरोजन, तो यहाँ पर ये इरोजन से संबंधित है। एक्शन ऑफ द कार्बनिक एंड ह्यूमिक एसिड से, कार्बनिक है और ह्यूमिक एसिड से बनता है कॉलक्लिन, और जो कि सेल होता है खोल, प्रेजेंट इन द वाटर एंड थस एब्सेंट इन द एम्बिडो विट रिप्रेजेंट द डेड पार्ट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ये एम्बिडो एक्शन ऑफ द कार्बनिक एंड ह्यूमिक एसिड नहीं पाया जाता है एम्बिडो में, बिच रिप्रेजेंट द ओल्डेड पार्ट, जो कि ओल्डेड पार्ट है सेल का टॉप टेक्चर होता है। मिडल पैरासिटिक लेयर, तो यहाँ पर पैरी ट्रेकम होती है, दूसरी मिडल वाली है वो पैरीमेटिक होती है लेयर, जो कि कंपोज्ड है कॉलम्स कैटेलाइन कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट बाय द कॉलक्लिन लेयर। तो जो मिडल है पहली, यहाँ पर पैरी पैरी ट्रेकम है, दूसरी है पैरी स्ट्रेकम, पैरी पैरीमेट्रिक लेयर, पहली पैरी ट्रेकम है, दूसरी यहाँ पर है पैरीमेट्रिक लेयर, जो कि बनी होती है क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट की, और जो कि रिप्रेजेंट होती है कॉलक्लिन लेयर की। तो ये भी कॉलक्लिन की लेयर की बनी होती है। कॉलम रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर और सरफेस ऑफ द सेल, इनर नेकर सेल पाई जाती है, थर्ड जो लेयर है वो नेकर सेल है इनर की, नेकर सेल या फिर एडीटीसी नेकर या फिर मदर पर्ल, जो नेकर सेल है उसे मदर पर्ल भी कहते हैं, और लेयर ऑफ द एडीडिसेंट भी कहते हैं, एडीडिसेंट या नेकर या फिर मदर ऑफ पर्ल्स, विच इज द फॉर्मेड मैनी थिन एंड अल्टरनेटिव लेयर ऑफ द कॉलक्लिन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट कॉलक्लिन एंड दीज लाइज पैरेलल टू द सरफेस टू सेल। तो कुल मिला के तीनों लेयर जो हैं बनी होती है किस तरीके, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉनक्लियन की, जो कि विशेष कैरेक्टर है मोलस्का का। पर यूनियो का डायग्राम है, और वेंट्रल साइड है, ये इंटरनल ऑर्गन है। यहाँ पर ओस्कार है, ओस्कार ऑफ द पोटीर और रेक्टर मसल्स, और यहाँ पर ये है ओस्कार ऑफ द पोटीर रेक्टर मसल्स और हिंज ट्वीट, हिंज ट्वीट है, ये हिंज लिगामेंट है, और ये एंटी स्कार ऑफ द एंटीरियर एंड रिट्रैक्टर, ये स्कार है,
टीथ हैं, स्कार ऑफ द एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल्स, और जो स्कार ऑफ एडिक्टर मसल्स का है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर सेक्रेट बाय द ईडी ऑफ द मेंटल बेयर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द होल। तो नेकर सेल को यहाँ पर मदर ऑफ पल भी कहते हैं, जो इनर मोस्ट पाई जाती है। पल फॉर्मेशन, पल कैसे बनता है, बैन द फॉर्जन ऑब्जेक्ट सच एस द सेंड ग्रेन या द एग्स एंड पैरासाइट गेट इन टू द बिटवीन द सेल एंड मेंटल। तो मेंटल और सेल के बीच में कोई भी पदार्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो फंस जाता है उसके बीच में, कोई भी सेंट या फिर सेंट यहाँ पर बालू या फिर एग या फिर पैरासाइट, जिसमें यहाँ पर सेल के बीच मेंटल और सेल के बीच फंस जाता है, तो वहाँ पर पल बनना शुरू हो जाता है। द मेंटल इज स्टिमुलेटेड सेक्रेट बाय द सेंट्रिक लेयर ऑफ द नेकर अराउंड इट। दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द पल। इसके परिणाम स्वरूप पल बनता है। क्या होता है कि कोई भी फॉर्मल ऑब्जेक्ट या फिर कोई वस्तु है मेंटल और सेल के बीच में फंस जाती है, तो वहाँ पर पल बनना स्टार्ट हो जाता है। मेंटल जो है स्टिमुलेट करता है सीक्रेट सेंट्रिक लेयर ऑफ द नेकर लेयर अराउंड इट। इट इज द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्ल। द पर्ल ऑफ द एवेन्यू इज द नॉट कम्युनिकेट कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्शंस द बायवेलविलिया विच इज द प्रोड्यूस कमर्शली पर्ल्स। तो बालविलिया है क्या यहाँ पर जो कमर्शली पर्ल बनाता है मोटली, और यहाँ पर जो काले द पल वेस्टर एग्जाम्पल पिनिक्टेडा बल्गेरिस मेलेनजोना मेलिन गिरना एसेक्ट्रा द पल आर द मोस्ट वेरिएबल वेरिएबल शेप्स एंड साइज देर कलर में भी वाइट आर द कर सताइन वाइट या फिर सताइन रेड कलर आर पिंक रेड रेड स्फेरिकल पर्ल्स ऑफ द रेनबो कलर आर रेडी फाउंड। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द पर्ल इज द नाउनस लिंगा पर्ल। बेस्ट क्वालिटी का पर्ल का नाम पूछ सकता है तो कौन सा बता देंगे लिंगा पर्ल, लिंगा पर्ल। एंड दे आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैराइन ओइस्टर पर्ल कंप्राइज ऑफ द वाटर ऑर्गेनिक मैटर कैल्शियम कार्बोनेट एंड रेसिड्यूस वाटर 2 से 4% और ऑर्गेनिक मैटर। तो आप 3 से 3.5 एंड कैल्शियम कार्बोनेट 90% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और रेसिड्यूस जो है 0.1 से लेकर 0.8% पाया जाता है रेसिड्यूस। सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है 90% इसकी सेल में। मेंटल एंड मेंटल कैविटी।